राहुल गांधी जी, हिजबुल्ला पे जो हमला हुआ है उसकी वजह से बहुत दुखी हैं इस समय। हमास की बर्बादी को लेकर भी राहुल जी काफी दुखी हैं। जो लोग राम का विरोध करते हैं, भगवती का विरोध करते हैं, शक्ति का विरोध करते हैं, देवी का विरोध करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि माँ की कृपा उन पर होगी। विपक्ष के ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो, डीएमके हो, ये सब नसरुल्ला के मरने से बहुत दुखी हैं। वो महबूबा मुफ्ती ने प्रचार रोका है, लेकिन मातम इन सब के यहाँ भी है। भारत के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी को इस वक्त राहुल गांधी जी पे हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी, हिजबुल्ला पे जो हमला हुआ है उसकी वजह से बहुत दुखी हैं इस समय। हमास की बर्बादी को लेकर भी राहुल जी काफी दुखी हैं पीछे, लेकिन अब जब हिजबुल्ला पे इसराइल ने हमला किया तो उससे वो बहुत आहत हैं। तो राहुल गांधी जी के ऊपर हमला करना ठीक नहीं है जहां तक सवाल है, क्योंकि हमारे भारत की परंपरा रही है, जो आदमी दुखी होता है, नजदीकी लोगों का अगर बर्बादी का समाचार मिलता है तो नेचुरली है कि उनको दुख होता है, तो जो दुखी होता है उस पर हमला नहीं किया जाता है। जहां तक सवाल है नवरात्र का, तो निश्चित रूप से माँ भगवती की कृपा से हरियाणा की जनता के अच्छे भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेरा पूरा विश्वास है कि माँ भगवती की कृपा हरियाणा की जनता पर बनी रहेगी। कांग्रेस पार्टी का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है हुड्डा जी की वजह से, लेकिन 3-4 दिन अभी और हैं। राहुल गांधी जी 2-4 बार अगर वहां चले गए तो सब ठीक कर देंगे, सब हुड्डा जी की मेहनत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वह नवरात्र में वोटिंग है और नवरात्र में ही रिजल्ट है, तो माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी कही जाती है जी। तो जो लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं, जो लोग राम का विरोध करते हैं, भगवती का विरोध करते हैं, शक्ति का विरोध करते हैं, देवी का विरोध करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि माँ की कृपा उन पर होगी। महबूबा मुफ्ती हों या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष के ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो, डीएमके हो, ये सब नसरुल्ला के मरने से बहुत दुखी हैं। वो महबूबा मुफ्ती ने प्रचार रोका है, लेकिन मातम इन सब के यहाँ भी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।